डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट में लिखते हैं लास्ट में माना गया वो है इंटरनेशनल सिस्टम। The system was internationally. This system was. This system was internationally. Internationally accepted. SI is the SI is the Lee system, international Lee system, of Lee system, okay? International Lee system, international Lee system, okay? Unit which is French equivalent, D square units. It is based on the following. It is based on the following. Seven basic units. Seven basic units. Seven basic units and two supplementary units. And two supplementary units. प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का है। प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। इसको पढ़ लेंगे सॉलिड एंगल। ओके, इसका जो यूनिट था इसका रेडियन, प्लेन एंगल रेडियन, और इसका था स्टेरियन। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
समझ में आ गया? जल्दी कर लो भाई, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, कल हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है ना, जो SI यूनिट्स हैं इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, जो सात हैं किलोग्राम वगैरह की सबकी डेफिनेशन कल पढ़ेंगे, एम्पियर वगैरह की। उसके बाद में जो डिराइव यूनिट है उन्हें कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे, तो मेजरमेंट के लिए कई सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ओके, छोटे डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, बड़े डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं। फिर उसके बाद एरर है, ये जो चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग खींचेगा तो डरना नहीं, क्योंकि अगर पहला चैप्टर अच्छे से आपने पढ़ लिया तो आने वाले में जो आने वाली फिजिक्स है उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़े हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब आप लोग ऐसे देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है ना?